कल जो आई थी यार। गुड मॉर्निंग, सारा ही लिखा तुमने। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमारी मॉर्निंग की जो स्टार्ट होती है वो होती है हमारे ब्लैंकेट से, मेरे इस बेड से और इस रूम से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद मैं अपना पूरा दिन क्या क्या करती हूँ और एक बी एस सी नर्सिंग स्टूडेंट फोर्थ ईयर की लाइफ कैसी होती है वो आपको पता चलेगा कि ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून। बेड इज रेडी। टाटा। फाइनली मैं हम रेडी हो चुके हैं, मतलब मैं और मनीषा। मनीषा हाय बोलो। मनीषा तो अभी मनीषा क्या हुआ, क्या गिर गया था आपका? मेरी प्यारी लिपस्टिक। ये मनीषा का प्यारी लिपस्टिक गिर गई थी तो मनीषा के मुंह से निकल गया। ओह माय गॉड। सो यहाँ पर बनी है मैक्रोनी, ठीक है। तो मैस में और ये हमें अच्छी लग गई बिकॉज कुछ मतलब मैस में वैसे खाना बकवास बनता है बट कभी कभी अच्छा बन जाता है, तो हम लोग अपने खा के टिफ़िन में भी लेकर आते हैं। तो मैंने भी आपको मैस का ओवरव्यू दिखाया नहीं कि हमने फटाफट खाया और हम टिफ़िन भी लेके आ गए। हाँ तो मैं अभी आपको टिफ़िन दिखाती हूँ। क्या बोला मनीषा? मीनू और शीनू के लिए। मैं सोचा अंकल हमसे पूछते हैं कि तुम टिफ़िन क्यों लेके जा रहे हो बिकॉज तुम तो यहाँ पर खा रहे हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब है हमारे दो क्लास मेट्स जो नहीं खा रहे। अभी मैं आपको टिफ़िन दिखाती हूँ माइक्रोनी वाले। ये है मेरा टिफ़िन, ये दिखाने लायक नहीं हो रहा क्योंकि सब बिल्कुल ऐसे वो हुआ है, बेकार सा हो रहा है। यह है मनीषा नेगी का टिफ़िन। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल को और हमारा हॉस्पिटल दूर है यहाँ से कुछ 5 to 10 minutes। तो मैं और मनीषा रूमी है। हाँ 15 minutes अगर हम अप्रोक्सीमेट पैदल पैदल चढ़ाई, ठीक है इतनी भी चढ़ाई नहीं है, हम जा सकते हैं। इतना ऐसा कुछ ऐसे नहीं है, ये नहीं जा सकती, बहुत पापा की परी है ना इसने कभी इतना दुख नहीं झेला है, बट मैं जा सकती हूँ ऐसा कुछ। हाँ थोड़ी थकान लगती है। उसके बाद मेरी ड्यूटी है कोविड वार्ड में, मतलब और इसकी इम्यूनाइजेशन। मैं आपको बता दूँ इम्यूनाइजेशन पे बच्चों को टीके लगते हैं, ठीक है बच्चों को। और कोविड वार्ड में क्या होता है, बड़ों को भी लगते हैं, सच बोल रही है? ठीक है तो बड़ों को भी लगते हैं। और जहाँ मेरी ड्यूटी है वहाँ उनकी ना कोविड की जांच होती है, मतलब कुछ अभी मुझे पता नहीं। मेरी फर्स्ट एंटीजन टेस्ट, एंटीजन टेस्ट होता है मेरी फर्स्ट टाइम, मुझे पता नहीं है कि कैसे कोविड टेस्ट करते हैं, बट ठीक है मैं जाऊँगी सीखूँगी तो मुझे आएगा। और ये है पिथौरागढ़ का हॉस्पिटल फीमेल, जिसे मैं दिखा चुकी हूँ, मेरी ड्यूटी वहीं पर ही लगती है, हम सबकी वहीं लगती है। एक चीज़ व्यू दिखाती हूँ, वो देखो कितना अच्छा है ना, दिख भी नहीं रहा क्योंकि मैं छोटी हो गई हूँ। चलो कोई नहीं। सो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल में आपको वार्ड दिखाऊंगी, वहाँ मैं कैसे काम करती हूँ ये दिखाऊंगी, फिर शाम को आगे क्या करती हूँ ये भी दिखाऊंगी। बाय 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 बाय। हम दोनों को इतनी खुशी हो रही है ना कि हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग सबसे पहले आ गए, हमारे पीछे हमारा कोई क्लासमेट नहीं है, कोई नहीं, कोई पूरा दुकान में बैठ जाएंगे किसी, पूरा फोर्थ ईयर मैक्रोनी खाने में बिजी है और हम दोनों हॉस्पिटल जाने में बिजी है। हमारे देखो गाइस, वो स्टूडेंट जिसका डेडिकेशन लेवल चेक होना था वो इस दुकान में आराम कर रही है और कोई नहीं आ रहा, तो हम दोनों रेस्ट कर रहे हैं बस। मनीषा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बस बैठे बैठे अच्छा ही लगने वाला हुआ। तो यहाँ पे इतनी चढ़ाई है ना, हम दोनों बहुत थक जाते हैं और धूप ऐसी निकल रही है, लग रहा है 12-1 बजे की धूप है ये। अभी सिर्फ 10 भी नहीं बजा है, जबकि इस धूप के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सॉरी, मुझे धूप नहीं लग सकती क्योंकि मैंने, हम दोनों ने SPF लगाया है। SPF लगाया है, SPF मतलब सन से प्रोटेक्शन। देखो थर्ड ईयर ड्यूटी करने जा रहा है और हम लोग बेसरमों की तरह बैठ के आराम कर रहे हैं। तो अभी ना हमें डर लग रहा है कि कहीं ये लोग ड्यूटी ना कैंसिल ना करवा दें, क्योंकि इनका मन है नहीं हॉस्पिटल जाने का। ये लोग चुपचाप मैम से बोलेंगे मैम हमें क्लास कर दो, मेरा तो मन है, मैं तो जा सकती हूँ ना हॉस्पिटल। तो अभी हमें डर लग रहा, कोई नहीं आ रहा क्या, 9:30 से ऊपर हो गया है। अभी देखते हैं कौन कौन हमें ज्वाइन करता है ये हमारे बैठने वाली जगह पे, तो बने रहिए दोस्तों। बड़ी मुश्किल बाद हमें कुछ चेहरे दिखे नए। तो यहाँ पे क्यों बैठ रखे हो?
इंतजार कर रहे हैं हम, अभी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये हैं तीन जिनके लिए हम रुके थे और ये अब आ रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। खाना ही लिखा तुमने। मेरा मुंह चंपा नहीं आ रही है, बेचारे चंपा के फॉलोअर्स नाराज हो जाएंगे। चंपा तिल्ले बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, चंपा रानी, चंपा। देखो गाइस, ये हमारा छोटा सा ग्रुप। हाय बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो दोस्तों को हॉस्पिटल के लिए? गाइस ये है कोविड वार्ड, यहाँ लगी है हमारी ड्यूटी, यहाँ होता है टेस्ट कोविड का। अगर ये रेड वन आएगा तो टेस्ट नेगेटिव होगा, ऊपर वाला इसे ये रेड है तो नेगेटिव है, अभी इसका पता चलेगा। गाइस देखो, इस आंटी का वन आ गया, मतलब आंटी को कोरोना नहीं है, ये नेगेटिव है। ये है कोविड एंटीजन किट और ये है स्वैब, जिससे कि हम लोग उसके मतलब नोज़ में इसको ऐसे डालते जैसे मैंने आपको दिखाया। पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं, फिर ग्लव्स पहनते हैं, फिर इसको लेते हैं, इसको ओपन करते हैं और जैसे मैंने टेस्ट किया वैसे करते हैं। सो फाइनली अभी हम लोग दिन का ठीक है मतलब लंच करके अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं रूम पर आ गई हूँ, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद हमारी 2 to 4 क्लासेस होंगी, देन 4 बजे बाद हम लोग फाइनली फ्री होंगे। जब फ्री होंगे तो उसके बाद फिर और सोते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये हमारा एक पूरा दिन भर का मतलब क्या रहता है, रूटीन रहता है। सो अभी मैं आपको अपना बेड दिखाती हूँ। सो ये है मेरा बेड जहाँ पर मैं सोने वाली हूँ, और ये पीछे मैंने सब कुछ इतने अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया है, मतलब सब कुछ अच्छा कर दिया है। सो या अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर हॉस्टल पे जाके खाना खाऊंगी, देन 2 to 4 क्लासेस होंगी और फिर रेस्ट करूँगी। फाइनली बज गए हैं 5 क्लासेस से आने के बाद हम लोग ना फिर जैसे मैंने बताया था हम फिर से सोएंगे, तो हमने एग्जैक्टली वही किया, हम फिर से सो गए हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं सेल्फ स्टडी। तो अभी मैं भी थोड़ा पढ़ रही हूँ और चंपा भी पढ़ रही है। चंपा मेरे रूम पर आई है पढ़ने, अदरवाइज अपने रूम पर पढ़ती है और कभी कभी मुझे भी हेल्प करती है पढ़ाने पे, तो चंपा बहुत इंटेलिजेंट है। चंपा देखो, चंपा ने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, वो ऐसे फालतू की बातें नहीं सुनती है, पढ़ाई पे ध्यान देती है बहुत। सो या ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर लंच, फिर हम लोग डिनर के लिए जाते हैं हॉस्टल पर। फिर दिखाऊँगी मैं फिर क्या क्या होता है, फिर कैसे हम लोग कितने बजे तक सोते हैं, क्या क्या होता है। सो बने रहिए मेरे साथ।